क्या आयरन मैन बनना आसान है और उसकी जगह कोई ले सकता है? मैं आयरन मैन नहीं हूँ, मैं ना तो कोई टोनी स्टार्क। तो आयरन मैन बनना बिल्कुल आसान नहीं है और टोनी की जगह कोई नहीं ले सकता। देखो, सिर्फ सैक्रिफाइस से कोई आयरन मैन नहीं बन सकता, क्योंकि ब्लैक विडो ने भी सैक्रिफाइस किया था। एमसीयू में स्टैन और हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और हाँ स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो सैक्रिफाइस करने का गट्स रखते हैं, और आने वाले टाइम में इनमें से कोई ना कोई सैक्रिफाइस कर भी सकता है। आयरन मैन को सबसे बेहतर बनाती है उसकी क्वालिटीज। वैसे एमसीयू के सारे सुपर हीरो में कोई ना कोई क्वालिटी है, जैसे कैप्टन अमेरिका हैंडसम है, ब्रूस बैनर जीनियस है, थॉर पावरफुल है, एंटमैन फनी, लॉकी कूल है और ब्लैक पैंथर रिच है, तो वहीं अपना स्पाइडरमैन पॉपुलर है। लेकिन इन सब क्वालिटीज को इकट्ठा किया जाए तब बनता है टोनी स्टार्क, मतलब आयरन मैन। तो यार ये बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि एमसीयू के पास कोई ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास ये सारी क्वालिटीज हैं, और ना ही आने वाले टाइम में कोई आयरन मैन की जगह ले सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि इन क्वालिटीज में से कौन सा सुपर हीरो ऐसा है जिसके पास दो तीन क्वालिटी है?